नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आबू रोड के कांग्रेसजनों ने नगर अध्यक्ष अमित जोशी और उप प्रधान ललित सिंह सांखला की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद नीरज डांगी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह में शिरकत की और मोदी सरकार के विरुद्ध धरना देकर विरोध किया। इस अवसर पर सांसद नीरज डांगी ने भी धरने में उपस्थित हजारों कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए कहा कि अग्नि वीडियो ना हो या अग्निवीर योजना हो या अन्य फैसले, मोदी सरकार जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण तरीके को अपनाकर योजनाएं और फैसलों को जबरदस्ती लागू कर रही है, CBI ED सहित सर्वोच्च संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इससे यह साबित होता है कि अब मोदी सरकार का अंत नजदीक है। देश भर का युवा मोदी सरकार की योजना से आहत है। इस अवसर पर सेवादल अध्यक्ष सुरेंद्र छावरा, पार्षद सुनील खोत, दिनेश मेघवाल, पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम, IT सेल के जितेंद्र मारू, सचिव गजेंद्र काक सहित दर्जनों स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।